हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में बताए थे स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में बता दिए थे आपको कि सभी रूल को बता दिए थे कि कोई भी नंबर आपका दो से डिविजिबिलिटी होगा तो उसका रूल क्या है, तीन का क्या है, फोर का क्या है, सिक्स का क्या है, एट का क्या है, एलेवन का क्या है, फाइव का क्या है, टेन का क्या है, सभी का डिविजिबिलिटी रूल बता दिए थे स्टूडेंट। आज आपको बताएंगे नंबर सिस्टम में आपका HCF और LCM, किसी भी नंबर का आप HCF कैसे निकालोगे और किसी भी इवन नंबर का आप HCF कैसे निकालोगे, उसका आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद टेक्निक भी बताएंगे, और कोई भी फ्रैक्शन का आप LCM कैसे निकालोगे और कोई भी फ्रैक्शन का आप HCF कैसे निकालोगे, ये का एग्जाम में आता ही आता है। फ्रैक्शन वाला LCM और HCF आपका एग्जाम में रिसेंटली पूछा जाता है। चलो देखते हैं, समझते हैं कि नंबर सिस्टम में आपका HCF और LCM का पॉइंट को डिस्कशन करना है। HCF का मतलब क्या होता है? तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब क्या होता है फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यदि कोई नंबर, दो नंबर आपके पास गिवन है, उसका आपको HCF निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उस टेक्निक को भी बताएंगे कि कोई भी गिवन दो नंबर का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे आपका यहाँ पर कोई एक नंबर दिया गया है आपका 8, 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 और 40। 16 और 40 का जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 8 होगा, तो 8 कैसे लिख रहा है उसको हम लोग समझते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर मान लो कि कोई नंबर आपका, ये आपका 16 है और ये आपका क्या है 40 है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको इसका ऐसा एक फैक्टर सिलेक्शन करना है कि जो 16 से भी डिविजिबल है और आपका क्या है 40 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये आपका दो सिलेक्शन करना है, दो आपका क्या है 16 से भी डिविजिबल है, 8 बार में जाएगा, और ये आपका 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब आपको एक नंबर सिलेक्शन करना है जो दोनों नंबर को क्या करे, डिविजिबिलिटी करे, डिवाइड करे, तो दो फिर से जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये आपका क्या होगा 10 से कटेगा। अब बताओ, फिर से बताओ कि ये एक नंबर सिलेक्शन करो जो दोनों को कट करेगा, तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि 2 से दोनों नंबर क्या हो रहा, डिवाइड हो रहा, फिर 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा, फिर 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा। इसका मतलब है वह नंबर कौन सा है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो आपका नंबर जो है 2 गुना 2 गुना क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब है इस दो नंबर का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा 8 होगा। आपको इस तरह करके याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दो नंबर का। और यदि इसी नंबर का यदि एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता तो आप एलसीएम भी निकाल सकते थे, कैसे निकालेंगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कैसे निकाला। तो इस दोनों नंबर जो आपका 16 और 40 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा 8 होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जैसे सपोज दैट मान लेते कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका 64 है, ये आपका क्या 32 है और ये आपका क्या 8 है, और इसका यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोले तो आप एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करो जो तीनों नंबर को डिवाइड करे। तो 2 है जो आपका तीनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा, जैसे ये 32 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आप एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करो जो सबको डिवाइड करे, 2 हो जाएगा, ये आपका 16 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका किससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। फिर एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करो जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, तो वो आपका हो जाएगा, ये वो आपका हो जाएगा, ये आपका 8 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये आपका 1 बार में जाएगा। अब एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों तीनों को डिवाइड करे, ये दोनों को डिवाइड करेगा बट इसको नहीं डिवाइड करेगा। इसका मतलब है 64, 32 और 8 का जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, यही होगा 2 गुना 2 गुना क्या होगा 2 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब 8 को देखो, 8 64 से भी डिविजुअल है, 8 आपका 32 से भी डिविजुअल है, 8 से भी डिविजुअल है। इसका मतलब है 64, 32 और 8 का यदि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोले उसका भी आंसर क्या होगा आपका 8 होगा। इसी तरह करके हम लोग किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि सपोज दैट एक नंबर दिया गया है आपका, ये आपका 36 है और ये आपका क्या 40 है, इसका बोलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा,
तो आप इस नंबर को डिवाइड करोगे, एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करोगे जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये आपका 18 बार में कैंसिल होगा, ये आपका 20 बार में कैंसिल होगा, फिर आप इसको कैंसिल करोगे, ये 9 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ठीक है। अब ये एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करो कि दोनों को कट करे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 9 को भी डिवाइड करे 10 को भी डिवाइड करे, इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 2, इसका मतलब 2 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसका मतलब 36 और 40 का यदि आपको HCF निकालने के लिए बोले तो आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कोई भी नंबर दिया जाए आप आराम से इजीली तरीका से आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल दिया गया, मान लो कि 15 दिया गया है, 15 और 25 और आपका दिया गया है 35, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो फिर इसको डिवाइड करो जो तीनों से कट करेगा, 5 3 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड करे, 5 को डिवाइड करे, 7 को डिवाइड करे, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एकलौता 5 ही है जो आपका 15 को भी डिवाइड करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा, वो 35 को भी डिवाइड करेगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसी तरह करके हम किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप कैसे निकालोगे, तो वो भी निकालने का तरीका है, ऑफ ए टू और मोर नंबर इज द लीस्ट और लोएस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। यदि मान लेते हैं कि ये आपका एलसीएम निकालना है 8 और 24 का, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो देखो समझने का कोशिश करो, अब देखो 18 और 12 का यदि एलसीएम निकालने के लिए बोले तो फिर आपको क्या करना होगा, इसको इसी पद्धति में निकालना होगा, तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में जाएगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना है, ये इस नंबर का जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह 4 होगा, बट एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को समझ लो तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखो एलसीएम को लिखना, तो ये आपको कट कर गया, अब देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखना है, तो ये आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 8 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका ये आपका क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब देखो इसको समझने का कोशिश करो कि 8 को जब आप टेबल पढ़ोगे तो 8 होगा, 8 2 16 होगा, 8 3 क्या होगा, 24 होगा, और 12 का जब टेबल पढ़ोगे तो 12 होगा, और 12 2 क्या होगा, 24 होगा। तो देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में से छोटा कॉमन मतलब लिस्ट कौन है, 24 ही कॉमन मल्टीपल है जो आपका क्या है, दोनों में कॉमन है, इसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे वाला नहीं देना है, सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल को लेना है, लिस्ट भी लेना है, कॉमन भी लेना है, मल्टीपल भी लेना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 8 और 12 का, 8 12 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 24 होगा। इस तरह करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको याद रखना। मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई एक प्रॉब्लम दे दिया है, मान लो एक 18 है और ये 36 है और ये आपका क्या है, 54 है, इसका बोल रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है, तो आप बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, ये 18 बार में जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 27 बार में कैंसिल होगा, फिर आप 3 से कैंसिल करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 3 से यदि कैंसिल करना चाहते तो कर लो, तो ये 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब बताओ इस नंबर का यदि आपसे पूछता है कि HCF क्या होगा, तो 2 से तो 18 भी डिविजिबल है, 36 भी है, 54 भी है, 3 से आपका सभी नंबर डिविजिबल है, फिर 3 से आपका सभी नंबर डिविजिबल है, तो HCF क्या होता आपका, HCF यदि पूछता तो 3 3 9 9 2 क्या होता, 18 होता। यदि इसका HCF पूछता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता HCF इस नंबर का, तो आपका क्या होता, 18 होता। बट आपसे यदि पूछ रहा है LCM, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा, 6, आप 8 6 क्या होगा, 48 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका जो LCM होगा इस नंबर का, वो आपका क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इसका मतलब है LCM आपका 104 होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, याद रखना है, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक फंडा है। इसका मतलब है किसी भी नंबर का आप LCM और HCF को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, बशर्ते आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप LCM और HCF में नहीं फंसोगे, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या था, जस्ट एक नंबर था, उसका LCM और HCF बता रहे थे। अब देखो कोई भी फ्रैक्शन का भी LCM और HCF कैसे निकालोगे, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो P बटा Q के फॉर्म में है,
पी को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और क्यू को डिनोमिनेटर बोलेंगे, और डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी जाके आपका फ्रैक्शन क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब देखो कोई भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला है, क्या निकाल बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट का एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर पार्ट का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये आपको याद रखना है। यदि कोई फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर, ऊपर वाले पार्ट का आपको एचसीएफ निकालना है, जो बोलेगा वही ऊपर वाला पार्ट का वही निकालना है और नीचे वाले पार्ट का जस्ट उसका अपोजिट निकालना है। यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम निकालना है, वाइस वर्सा यदि एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन पूछे तो ऊपर वाला पार्ट का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले पार्ट का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। यह दोनों फॉर्मूला क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट सॉल्विंग करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, तो ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इसका प्रॉब्लम पर आते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया जाए और आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलो उस पॉइंट पर बात करते हैं। चलो यहां पर इसको साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको बताते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो आपका नंबर क्या है 1/2 और आपका क्या है 2/3 एंड क्या है 3/7 है। चलो ये आपका एक सेट का नंबर है, इस नंबर का क्या निकालना, एच सी एफ निकालना और एल सी एम निकालना, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पर, अब देखो 1/2 और 2/3 और 3/7 का क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, इसका बताए थे कि जब एच सी एफ निकालने के लिए बोलेगा तो एच सी एफ ऑफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या निकालना, एच सी एफ निकालना। न्यूमरेटर में कौन है, एक है दो है और तीन है, एक है दो है तीन है, डिवाइडिंग बाई क्या करना है, एल सी एम ऑफ डी डिनोमिनेटर्स, एल सी एम निकालना डिनोमिनेटर्स, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो दो तीन और सात का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अभी आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाए थे, अब बताओ कि 1, 2 और 3 का आपका एचसीएफ क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करो जो तीनों को डिवाइड करे, वो नंबर आपका एक ही है जो तीनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 1, 2, 3 का क्या होगा आपका, क्या होगा बताओ, 1 होगा, क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्या नहीं, एलसीएम 2, 3 और 7, अब बताओ 2, 3, 7 का एलसीएम क्या होगा, तो ये एक बार में जाएगा तो 2 ही बचेगा, 3 ही बचेगा और 7 ही बचेगा, तो यदि एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 × क्या हो जाएगा 7, 7×21 = 21 क्या हो जाएगा 42। इसका मतलब है एलसीएम ऑफ 2, 3, 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि 42 एक ऐसा नंबर है जो आपका क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 2 का, 3 का और 7 का, और हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1, 2 और 3 का क्या है 1 है। इसका मतलब है 1/2, 2/7, 3/7 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1/ क्या होगा 42 होगा। इसी तरह करके आपको क्या करना है, निकालना होगा, ठीक है, जैसे हम रफ करके बता रहे हैं। अब देखो यदि इसी नंबर का यदि एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता तो एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता तो क्या करता, जो बोलेगा उसका ऊपर वाले पार्ट का क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। चलो न्यूमरेटर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। न्यूमरेटर क्या है 1, 2 और 3 है, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ डी नोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वह नंबर क्या है, दो है, तीन है और क्या है, सात है। अब बताओ यदि ऊपर नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो जैसे देखो यहाँ पर निकालने हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक दो तीन का, तो दो एक गुना एक गुना दो गुना तीन, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा छः। हाँ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो आपका हाइस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब जो एक ऐसा नंबर जो दो को भी डिवाइड करे, तीन को भी डिवाइड करे, सात को भी डिवाइड करे, तो इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यदि आपको निकालने के लिए बोले दो तीन सात का, तो एक ही होगा जो आपका क्या होगा, हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब यहाँ पर एच सी एफ क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। इसका मतलब जो आपका सेट है, ये सेट का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, सिक्स होगा, और आपका एच सी एफ क्या हो जाएगा, आपका वन बाई क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है यदि इस नंबर का, ये सेट का एच सी एफ निकालने के लिए बोला जाता तो एच सी एफ का आंसर होता 1/42, और ये सेट का यदि एल सी एम निकालने के लिए बोला जाता तो आंसर क्या होता, 6। इसी तरह करके हम भी किसी भी फ्रैक्शन का एल सी एम और एच सी एफ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे का पॉइंट को देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन का आप एल सी एम और एच सी एफ कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखो ये आपका, अब देखो एक कोई नंबर ले रहे हैं आपका, फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम। मान लेते कोई एक सेट ऑफ नंबर है 3/4, 8/7, और मान लेते हैं कि 4/21 है, ठीक है। चलो ये आपका नंबर है, ठीक है। इस नंबर का आपको क्या करना है, एच सी एफ भी निकालना है और एल सी एम भी निकालना है, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे, तो एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का जो बोलेगा उसका ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एच सी एफ ही निकालेंगे, ठीक है। तो एच सी एफ किसका निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता, अंश, और अंश ऊपर वाले को बोलते हैं। तो 3, 8 और 4 का क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, और आपका एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स होगा। डिनोमिनेटर्स में कौन है, 4, 7 और क्या है 21 है। चलो बताओ, अब देखो यदि एच सी एफ निकालना चाहेंगे 3, 8 और 4 का, तो आप बताओ कि इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इस एक ही एक ऐसा नंबर जो 3 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, और तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर का हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, अब देखो 4, 7 और 21 का यदि एल सी एम निकालने के लिए बोले तो एच सी एफ तो आपका 1 होगा, बट एल सी एम क्या होगा, तो दो नंबर एक बार में कटना चाहिए। तो 7 लिखेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, 7 एकम 7, और 7 क्या होगा, 21 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 4 × 1 × 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एल सी एम हो जाएगा। तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 12, 12 × 7 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 4, 7 और 21 का जो आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका क्या है, 84 है। इसका मतलब है इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का यदि हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोले तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1/84 हो जाएगा, याद रखना है। और यदि इसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बोले तो फिर क्या करना, चेंज करना है, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में कौन है आपका, 3, 8, 4 है, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ
डिनोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर्स में कौन है, 4, 7 और 21 है। चलो अब देखो चीजों को समझो। अब ऊपर वाले के एलसीएम निकालना, तो एलसीएम क्या होगा, 3, 8, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करो जो दो नंबर को डिवाइड करे, तो दो ये तो डिवाइड नहीं फिर दो नंबर को एक हो जाएगा, 3 × 6 = 12 = 24 हो जाएगा। इसका मतलब एलसीएम ऑफ नोमिनेटर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 हो जाएगा। हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 4, 7, 21 का, अभी बताओ 4, 7, 21 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा जो तीनों को डिवाइड करे, तो एक ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बाद बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 को 7 को 21 को तीनों को एक साथ डिवाइड करे। इसका मतलब हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 4, 7 और 21 का क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/84 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो किसी भी फ्रैक्शन का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, बशर्ते आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता रहना चाहिए, फॉर्मूला पता रहना चाहिए, आप प्रॉब्लम को क्या करोगे, तुरंत बना लोगे। अब आगे का चलते हैं, अब बताते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे। फ्रैक्शन का तो बता दिया आपको, चलो एक प्रॉब्लम देते हैं, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखो मान लेते हैं कि कोई आपका पी एक्स पॉलिनोमियल है, वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 है, और कोई आपका क्यू एक्स पॉलिनोमियल है वह एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10 है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ को आप कैसे निकालोगे, एग्जाम में यदि पूछेगा तो। देखो फाइंड द हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल आपका पी एक्स क्या है, उसको पहले लिखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + क्या 6 है। यदि ये पॉलिनोमियल फैक्टर हो रहा तो आपको फैक्टर कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसको इसको गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 6x² मिलेगा। अब 6x को इस तरह ब्रेक करो कि आपका ये मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे, माइनस बताओ तो 6x को आप कैसे ब्रेक करोगे। अब देखो 6x को ब्रेक करने का तरीका है, इसको हम लोग यदि लिखते हैं 3x और वो 2x लिखते हैं, तो आपका 6x² को हम इस तरह यदि ब्रेक करें 3x और 2x में, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x मिलेगा, और आपको मल्टीप्लाई करने से 6x² मिल जाएगा। बट यहाँ पर -5x है, तो यहाँ पर भी माइनस लगाना है, यहाँ पर भी माइनस लगाना है, ठीक है। इस तरह करके ही ब्रेक करना है, इसको इसको गुना करना है, 6x² होगा, और इस मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि ब्रेक करे तो -5x आए, और मल्टीप्लाई करे तो आपको 6x² मिल जाए। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो -5x मिलेगा, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x² मिल जाएगा। इसका मतलब है इसको हम लोग फैक्टर मेथड से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3x - 2x + क्या हो जाएगा, 6। अब देखो यहाँ पर दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा बताओ तो 3, और यहाँ पर आपका 2 कॉमन हो जाएगा -2, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 2, और आपका क्या हो जाएगा, x माइनस क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब पी एक्स का जो फैक्टर होगा वो x - 2 और x माइनस क्या होगा, 3 होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्यू एक्स का फैक्टर क्या होगा। अब देखो पी एक्स का तो फैक्टर बता चुके हैं, अब बताते हैं कि इसका क्यू एक्स का फैक्टर क्या होगा। इसी तरह करके आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है, आपको फैक्टर आना चाहिए, तब आपका कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर आराम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखो क्यू एक्स,
यहाँ पर क्यू एक्स है। अब देखो क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस क्या है, टेन है। जब इस दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको इस तरह ब्रेक करो कि ब्रेक करने के बाद आपस में यदि गुना करें तो टेन एक्स स्क्वायर मिल जाए और ऐड करें तो माइनस सेवन एक्स मिल जाए। तो कैसे करते हैं, देखो माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स यदि करते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस सेवन एक्स आएगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विद द साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाँच दुनी दस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा यही होगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस क्या होगा, टेन होगा। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लो, एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस टू कॉमन ले लेगा तो एक्स माइनस क्या होगा, यहाँ पर फाइव होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू और आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। चलो अब देखो पी एक्स का फैक्टर किया तो क्या मिला, पी एक्स का जब फैक्टर किया तो आपको मिला एक्स माइनस टू और आपको क्या मिला, एक्स माइनस क्या मिला, थ्री मिला। और क्यू एक्स का जो फैक्टर किया तो तब आपको क्या मिला, तो आप बोलोगे कि एक्स माइनस टू और आपको क्या मिला, एक्स माइनस फाइव मिला। ठीक है, अब रहा मुद्दा कि आपको क्या बोल रहा कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है पी एक्स और क्यू एक्स का। तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या होगा, ध्यान दो कैसे निकालेंगे। अब एस सी एफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, अब देखो पी एक्स और क्यू एक्स में कॉमन डाटा कौन है उसको आप पहले फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पर x माइनस टू है, यहाँ पर भी क्या है, x माइनस टू है, इसका मतलब दोनों में क्या है, x माइनस टू है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस टू कॉमन है, इसका मतलब है इसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, x माइनस टू होगा। अब देखो अब आपको बताते हैं कि इसका एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या होगा। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ भी रहता है ऑलरेडी। अब देखो दोनों में जो कॉमन है, एलसीएम का खासियत यह है कि जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस टू है, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, दो बार नहीं लिखना है, एक्स माइनस टू यहां पर भी एक्स माइनस टू है, और जो रिमेनिंग बच गया उसको सबको लिखना है। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है हाइएस्ट सॉरी एलसीएम में। तो एक्स माइनस थ्री यहां पर बच गया और आपका क्या हो गया, x माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है कि आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि इस पॉलिनोमियल का एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वही आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और एलसीएम में क्या होगा, आपका जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है और बाद बाकी जो रिमेनिंग बच जा रहा है उसको भी लिखना है। इसका मतलब है x माइनस टू को एक ही बार लिखना है और आपका x माइनस थ्री और x माइनस फाइव को भी लिखना है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का यदि पूछता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा तो आपका आंसर हो जाता है एक्स माइनस टू, और आपसे यदि पूछता कि इसका एलसीएम क्या होगा तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और क्या होगा, एक्स माइनस फाइव होगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का आपको निकालने के लिए बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप क्या कर सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट पर क्या कर सकते हो, अप्लाई करके बना सकते हो। इसका मतलब है ये दोनों प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप इस तरह के प्रॉब्लम को क्या करो, ध्यान दो और ध्यान देके समझने का कोशिश करो। चलो आगे का समझते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। अब देखो एक फॉर्मूला बताते हैं, मान लेते देखो सपोज दैट कोई नंबर है आपका 8 है और 24 है। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला निकालने का कोशिश करते हैं। ये आपका ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है। ठीक है, दो नंबर है ए और बी। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछे कि इस दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा तो क्या बोलेगा, 8 और 24 लिखेगा यस या नो, और निकालेगा कि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है। अब देखो दो से मिनिमम दो नंबर एक साथ डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर इसको क्या करेगा, 4, और इसको क्या करेगा, 12। फिर इसको निकालेगा, 2 लिखेगा, यहाँ पर 6 लिखेगा, फिर यहाँ पर 2 लिखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि एलसीएम निकालना है इस दोनों नंबर का तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में आपका ये सब भी रहेगा, ये आपका 2 गुना 2 गुना 2
गुना एक गुना क्या हो गया, तीन हो गया। ये आपका क्या है, एचसीएफ का पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो चलो इसको गुना करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या होगा, दो दूनी चार, चार दुगुनी आठ हो जाएगा, और आठ किया क्या हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और बी का जो एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यदि यही नंबर का यदि एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोलता है आठ और चौबीस का, तो क्या करता, एक ऐसा नंबर का सिलेक्शन करता जो दोनों को कट करे, तो दो होता वो आपका चार होता है, यहाँ पर बारह होता है। फिर आप देखते हैं कि दोनों नंबर को कौन कट कर रहा है, तो दो कट करेगा, दो दूनी चार, चौदह दूनी बारह। फिर आप ऐसा देखते हैं कि दोनों नंबर को कौन कट कर रहा है, तो दो और तीन होता है। इसका मतलब इसी नंबर का एच सी एफ क्या होता है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो गुना, दो गुना क्या होता है, दो होता है, तो क्या हो जाता है आपका, आठ हो जाता है। यस या नो, अब देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, क्या एक फॉर्मूला निकल रहा है। देखो तो एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम गुना हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू ए गुना बी हो रहा है। देखो तो ये देखो एलसीएम कितना है आपका, 24 है यहाँ पर, और इसका एचसीएफ कितना है, 8 है, और दो नंबर का भी प्रोडक्ट करेगा तो 8 गुना क्या होगा, 24 होगा। इसका मतलब है कि एक फॉर्मूला निकल रहा है, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू दो नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको बताने के लिए हम क्या किए, एक एग्जाम्पल सेट किए कि क्या कैसे आपका फॉर्मूला आता है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ए गुना बी हो गया। इसका मतलब है कोई भी नंबर का यदि एलसीएम दे दे, मान लेते कि सपोज दैट एलसीएम आपके पास अवेलेबल है, एचसीएफ आपके पास अवेलेबल है, एक नंबर आपके पास अवेलेबल है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपका किसी भी गिवन नंबर का यदि एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है और एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो पर भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बशर्ते आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, तब आप क्या कर लोगे, प्रॉब्लम को हैंडल कर लोगे। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये आपका फॉर्मूला इसी से आता है, आपका इसी एग्जाम्पल के सेट से ये फॉर्मूला डिजाइन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम दिया गया है, उस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो चलो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं प्रॉब्लम को पूरा, इस पोर्शन को पूरा कंप्लीट करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। देखो एक प्रॉब्लम दिया गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 times देयर एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। इफ वन नंबर इज 93, फाइंड द अदर, मतलब अदर नंबर को फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया 134, दूसरा ऑप्शन दिया गया 128, और डी नंबर में दिया गया है नन। चलो जैसे जैसे प्रॉब्लम बोल रहा है उसी तरह करके क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ
टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम जो है वो 12 टाइम्स ऑफ क्या है, 12 टाइम्स ऑफ क्या है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ द क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम जो आपका क्या है 403 है। तो चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो सम है वो आपका क्या है 403 है, ठीक है। यहाँ पर एक रिलेशन है, एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ ही रखते हैं और एलसीएम इज इक्वल टू क्या है 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 403 हो जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 13 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये आपका क्या हो जाएगा 403 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 403 भागा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको 13 से डिवाइड करो कितना बार में जाएगा आप ही बताओ, तो 13 तिया क्या हो जाएगा 39, कट गया एक बचा, एक होगा 13 जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा पूरी कितना बार में कटेगा, 31 बार में कटेगा, यहाँ पर क्या हो गया 31 हो गया। इसका मतलब इस नंबर का एचसीएफ कितना निकल गया, 31 निकल गया, ठीक है। चलो 31 निकल गया। अब देखो जब एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम भी निकल जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या है 12 टाइम्स ऑफ क्या है एचसीएफ है, तो 12 गुना क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुना क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एलसीएम भी आपका निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया, ठीक है। इफ वन नंबर आपका 93 दिया गया, अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक रिलेशन अभी बताए थे एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू वन नंबर गुना अनदर नंबर, ठीक है। अब बताओ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना निकला 31 गुना, और इस नंबर का एलसीएम कितना निकला, गुना नहीं किए हम, रखने दिए हैं, कट कैंसिल करेंगे, 12 गुना क्या 31 है, ठीक है। अब देखो एक नंबर आपका क्या दिया गया है 93 दिया गया है, तो 93 लिखेंगे, अदर नंबर मेरे को पता नहीं है, बी का वैल्यू ये तो निकालना है, इसका मतलब 31 गुना 12 गुना 31 गुना क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। अब देखो ये कितना बार में कटेगा बताओ तो, तीन बार में कटेगा, यस या नो, फिर इसको काटो, तीन चार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, इसका मतलब है आपका जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, बी जो होगा 124 होगा, इसका मतलब है अनदर नंबर क्या हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। इसी तरह करके आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है, जैसे जैसे मूवमेंट करने बोलेगा उसी तरह मूवमेंट करना है, जैसे जैसे आपको डाटा दिया जाएगा आप डाटा को उस तरह अरेंज करते जाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे बेसिक फॉर्मूला, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब बेसिक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए और जो जो बोलेगा उस प्रोसेस को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आराम से सॉल्विंग हो जाएगा। तो इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड करते हैं, आज का टॉपिक्स पूरा कवर हुआ, एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी नंबर का आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, किसी भी गिवन नंबर का आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, उसके बाद किसी भी फ्रैक्शन का आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे ये भी आपको बताएं, और आपको बताएं कि दो नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताएं, कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होगा, उससे भी आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम में, प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। वंदे मातरम स्टूडेंट।